हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी एक दुष्ट और नीच औरत है जो कि सपना के लिए बहुत ही गंदी गंदी वीडियो बना रही है कुछ टाइम पहले मेरे लिए भी बना रही थी जो बातें मेरे लिए बोल रही थी आज वो ही सपना के लिए बोल रही है पहले मुझे कैरेक्टर लेस बोल रही थी ना कि ऐसी है ये है गंदगी है गंदी औरत है आदमी नहीं है औरत नहीं है शक्ल ऐसी है थूकते हैं हम इसके ऊपर इतनी ऐसी है बदचलन शब्द मेरे लिए यूज किया था इस नीच औरत ने आज वो ही सपना को कैरेक्टर लेस बोल रही है मतलब ये इस तरीके की नीच औरतें होती हैं कुछ जो हर एक विधवा उनके लिए कैरेक्टर लेस ही होती है मतलब अगर एक विधवा को मतलब दुनिया तो चलो जीने नहीं देती कहते ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है यहाँ पर डॉलर्स और व्यूज के लिए देखो हम तो जवाब देंगे ना क्योंकि मेरा आज मेरा मेरे को दिल दुखता है ठीक है कि मेरे साथ इतनी बातें उस टाइम बोली गई थी और मैं तब भी चुप रही थी इतना गंदा सुनने के बावजूद भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि सामने वालों का फायदा हो रहा था है ना सामने वालों को हमारे नाम से व्यूज मिल रहे थे बट आज हम जवाब देंगे क्योंकि आज इनको जितने व्यूज लेने ले लें ठीक है तो आज मैं बोलती हूं देखो इन्होंने सपना के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है सपना के लिए बोला है कि सा इसके सास ससुर इसको फ्रीडम नहीं दे रहे थे तो ये कैसी फ्रीडम थी कि उनके होते हुए उस सपना के घर में आदमी आ रहे थे ये लाइन सपना के लिए यूज की गई आदमी आ रहे थे ये ये किस तरीके की वर्डिंग होती है एक औरत के लिए कि सपना के घर आदमी आ रहे थे आदमी कैरेक्टर पे सीधा वार करा जा रहा है एक औरत के जिसने अभी कितने ज्यादा दुख झेले हैं दो दो बेटियां जिनकी जिन्होंने बाप का साया खो दिया उस औरत जहां पे ससुराल का सपोर्ट ना हो ऐसी औरत को के लिए इतनी गंदे और भद्दे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगी आदमी नहीं था वो आदमी नहीं था धर्म का भाई था ये लखनीत भैया के लिए शब्द यूज किए गए हैं लखनीत भैया और नीतू आए थे जो जोड़ा आया था एक नहीं आदमी शब्द के साथ ये भी कहते हैं ना कि उसकी औरत भी आई थी साथ में अकेला आदमी नहीं आया था आदमी औरत दोनों आए थे पति पत्नी का जोड़ा है दोनों आए थे और राखी बांधने आए थे भाई आया था आदमी नहीं आया था सपना का भाई आया था रक्षाबंधन पे राखी बांधने तो सोच के देखो लोगों की कि कितनी गंदी सोच है एक भाई जो जो हम पूरी दुनिया ने वीडियो में देखा है कि किस तरीके से सपना ने राखी बांधी थी उसको भाई बना के उसकी वाइफ साथ में खड़ी है बैठी है गले मिल रही है गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को रक्षाबंधन का त्योहार बनाने लग रहे हैं उन भाई बहन के लिए ये शब्द कितने गंदे और भद्दे हैं कि हाँ, आदमी आए थे तब भी ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा था इतनी फ्रीडम दे रखी है ससुराल वाले तो बोलेंगे ही मायके वाले आ रहे थे तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे ये शब्द कितने गंदे होते हैं कि आए आ, आ रहे थे मतलब कितना ज्यादा एक औरत के लिए कितना एक दूरी दुख दु, की बात है कि जब उसका आदमी खत्म हो जाता है उसके बाद एक औरत को कोई जीने नहीं देता हर कोई इतने मतलब कितने कितने गंदे नाम लगा दिए जाते हैं एक औरत को एक औरत के पति के जाते ही उस औरत के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं मैं हैरान हूं इसीलिए आज मैं जवाब दे रही हूं क्योंकि ये चीजें मैंने भी बर्दाश्त बहुत ज्यादा करी है मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद आज भी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ विहान के साथ तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को वीडियो बना बना के लोग ये वीडियो बोलते हैं कि इसके पास तो आदमी आते हैं आदमी आते हैं रात को आदमी आते होंगे मतलब सोच के देखो एक औरत अगर अकेली अपना खुद सेल्फ स्टैंड हो के ये घर मैंने बहुत दिन रात के परिश्रम के बाद खरीदा था साढ़े बारह लाख का बहुत मेहनत करी थी उसके लिए चार साल मेहनत कर करके पैसा जोड़ जोड़ के ये घर खरीदा कि चल यार ससुराल वालों ने मुझे रखा नहीं मायके का सपोर्ट भी नहीं है बंदा अकेले मैं रह के अपने बच्चा पाल लूंगी लेकिन चार साल हो गए मुझे आज तक लोगों ने यहाँ सोशल मीडिया पे जीने नहीं दिया लोग मेरे बारे में इतनी गंदी बातें बोलने लग जाते हैं हाँ भैया ये आदमी बुलाती होगी मेरे लिए तो यहाँ तक बोला गया वीडियो बना बना के कि ये तो धंधा करती होगी क्यों क्योंकि अकेली रहती है क्योंकि लोगों को ना समाज कोई डाइजेस्ट नहीं होता कि ना मायके में रह रही है ना ससुराल में रह रही है ठीक है अपना कमा के अकेली अपना बच्चा पाल रही है अपने इज्जत के साथ अपने घर में बैठी है तो पता है ना कि हाँ एक अकेली औरत के लिए कुछ भी बोल दो कौन बोलने आएगा कहाँ कितना लड़ेगी एक औरत अपने लिए ये चीज और दूसरी चीज जो बोली रिकॉर्डिंग की बात हुई ना कि इतने साल पुरानी रिकॉर्डिंग आज डाल के दिखाने का क्या मतलब हुआ पहले क्यों नहीं दिखाई तो देखो पहले मैंने भी अच्छा ही बोला था मैंने भी याद हो मेरे लिए भी यही ऑब्जेक्शन उठाया गया था जो आज बोल रहे हैं ना कि पहले तो बहुत तारीफ कर रही थी अपने हस्बैंड की अब कह रही है कि मारता था तो एक बात हर कोशिश पूरी करती है कि अपने घर की इज्जत को ढकने की ही कोशिश करती है शुरुआत में यही सोचती है कि अपने घर की इज्जत घर में बनी रहे चाहे आदमी कैसा भी हो चाहे कितना घर घर ससुराल गंदा हो लेकिन फिर भी एक औरत जब तक ना यहां तक नहीं आ जाती ना चीजे तब तक अच्छा ही बोलती है बाहर कोई औरत ना जाके अपने घर की प्रॉब्लम बाहर पहले शुरुआत में नहीं बोलती है कि हाँ मेरे घर में ये चीज हो रही है ये हो जा रही है जब अति हो जाती है ना जरूरत से ज्यादा हो जाता है सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है तब जाके एक औरत को अपना मुंह खोलना पड़ता है वरना हर कोई अपने घर की इज्जत ना अंदर ही रखने की कोशिश करता है पूरा, पूरा कोई नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे आके ये सारी बातें बताना लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है ना तब जब उसके साथ सब बहुत ज्यादा गलत होता है तभी इंसान बोलता है जब पूरा का पूरा कहते नहीं जब घड़ा भर जाता है तभी वो घड़ा फूटता है ऐसे नहीं होता है मेरे साथ भी देखो यार अगर मेरे साथ जब चीजें हुई मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद जब यार ससुराल वालों ने मुझे घर से ही निकाल दिया मेरे को पैसे की बात आई तो एक बात मुझे बताओ जो लोग कह रहे हैं ना कि तो पैसा पैसा कर रहे हैं तो एक बात बताओ बुरे वक्त का एक औरत का जब पति ही गुजर गया उसके बाद उस औरत का काम क्या आएगा पैसा ही तो काम आएगा उसका तो सारा खर्चा पड़ा है आगे छोटे छोटे दो बच्चे हैं मेरा छोटा विहान है अब इसका पूरा स्कूल का खर्चा है कॉलेज का खर्चा है आगे पढ़ाई का खर्चा है क्या नहीं होता दो दो बच्चों को वो भी बेटियों को पालना उनकी शादियां करवाना उनको आगे देना लेना करना इतनी छोटी जिम्मेदारी होती है क्या एक छोटी सी उम्र में वो भी बिना पति के सोच के देखो ना क्या नहीं चाहिए उसको क्या नहीं चाहिए रहने के लिए घर नहीं चाहिए चीजें नहीं चाहिए ठिकाना नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए होता है क्या गलत गलतकार अगर मांग लिया तो भाई क्या नहीं घर गलत कर अगर मांगा कि भाई मुझे रहने के लिए घर दो क्यों ना दे एक बार बताओ या तो आप घर पे अच्छे से रखो एक बार बताओ मैंने क्या मांगा था मैंने यही तो मांगा था ना कि ससुराल वालों से कि मुझे रहने दो घर में मेरे पति के डेथ के बाद मेरे को मेरे बच्चे के साथ मेरे ससुराल वाले घर में मुझे रहने दो एक कमरा नहीं दिया गया रहने के लिए मेरे को फिर क्या क्या बोले अब दुनिया के सामने एक बात बताओ दुनिया पूछेगी कि भैया ससुराल में क्यों नहीं रहते अगर हम ये बात बोल दें सोशल मीडिया पे आके कि भाई ससुराल वाले हमें रखते ही नहीं है वो खुद से ही नहीं रख रहे हमें तो फिर इसमें हम कहा से गलत हो गए ये कोई बदनामी नहीं है ये तो सच्चाई बता रहे हैं आज हम सच अगर इतना ही घिनौना है तो वो घिनौना काम मत करो ना क्यों अब क्यों दरवाजा बंद कर करके कर औरत को कुत्तों की तरह मारना पड़ता है तुम लोगों को और फिर अगर ये बातें अगर सोशल मीडिया पे बता रहे है अगर एक लड़की बता रही है कि मेरे साथ ये चीजें हुई विद प्रूफ दिखा रही है कि ये देखो मेरा पति पहले ऐसा करता था तो ये लोग कह रहे हैं कि घर की बात बाहर क्यों बता रही हो ये घर की बातें होती है ये घर की बातें होती है बंद कमरों में क्या ये चीजें की जाती है क्या ये जानवर वाला जो बिहेवियर होता है ये नॉर्मल है मतलब लोग क्या चाहते हैं एक औरत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें भी अंदर ही अंदर रखो घर के अंदर रखो मत बताओ लोगों को क्यों ना बताए क्यों ना बताए क्यों बताओ ना क्यों ना बताएं ये चीजें कब तक छिपाओ के रखेंगे कब तक लड़की बर्दाश्त करेगी और कितना हद तक बर्दाश्त करे कितने साल तो एक औरत ने बर्दाश्त कर लिया चुपचाप सहन करते रहे करते रहे कि कभी तो अच्छी चीजें होंगी कभी अच्छी चीजें होंगी मैंने कब बताया मेरे हस्बैंड ने मेरे सनी ने सात से आठ बार मेरे साथ ये चीजें करी है मेरे साथ अपनी माँ की सुन सुन के सुन सुन के मेरे साथ मैंने क्या किया मैंने नहीं दिया ना उस टाइम किसी को दुनिया को बताया मैंने नहीं बताया चुप रही ना मैं भी चुप रही मैंने भी किसी को नहीं बताया ना अपने माइके में, में बताया मेरे साथ क्या हो रहा था किसी को अपनी सहेली को नहीं बताया सिर्फ घुट घुट के सहन करती रही कब जाके बताया मैंने कब बताया अब जाके बताया मैंने चीजें कि मेरे साथ ये चीजें हुई थी और दूसरी चीज जो कह रहे हैं ना कि हाँ पहले उस टाइम क्यों नहीं बताया कहा से बता देते एक बात बताओ एक लड़की जिस ज, जिसका पति उसके साथ मारपीट करता हो कुत्तों की तरह अब वो उसी के साथ रह रही है उसी घर में रह रही है और वो यही बातें जाके सोशल मीडिया पे अपने पति के उस साथ रहते रहते इस दुनिया को बता दे क्या उसका पति उसको छोड़ेगा फिर उसके साथ क्या होगा उसे डर नहीं लगेगा ये सारी बातें सोशल मीडिया पे उस टाइम बताते हुए कैसे बता देती उस टाइम वो सोचने वाली चीजें होती है ना और जो जो लोग कह रहे हैं ना कि अगर ससुराल इतना ही बुरा था ऐसा था वैसा तो तो उसने दोबारा उसी घर में शादी क्यों करी है ना ये क्वेश्चन उसके चरित्र को के ऊपर इतने क्वेश्चन लाके रख दिए कि अफेयर होगा ये था वो था इतना गंद इतना बकवास जो बातें लोग बोल रहे लग रहे हैं तो देखो शादी एक बात मुझे एक बात बताऊ एक लड़की है जिसका ना मायके में कोई सपोर्ट है शादी करके आई है नहीं हो बच्चा अगर कोई खुद का दूसरा मतलब खुद का बच्चा ना हो फिर तो चाहे वो किसी भी घर में शादी कर ले आगे कोई दिक्कत नहीं होती एक लड़की को आप खुद सोच के देखो एक लड़की ने यही उम्मीद करती है एक बार बताओ कि उसके दादा दादी यहाँ पे तो उसको पूछ लेंगे कई जगह तो देखो एक बार बताओ जब सगे ही नहीं पूछते तो बाहर के लोग क्या पूछेंगे ये बताओ ना अगर सपना की लगा लो कि उसने अगर किसी और घर में पहली शा, शा, शादी जो हुई थी हस्बैंड की डेथ के बाद दूसरी शादी किसी और घर में कर ली होती तो वहां पे उसकी बच्ची को कौन प्यार करता ये चीज़ है ये चीज सोचिए ना दादा दादी हैं चाहे बहू को ना भी प्यार करे फिर भी एक होता है ना कि चलो उनका खून है पोता पोती होते हैं उनके खुद के होते हैं उनसे तो प्यार करेंगे कम से कम ये चीज सोच के देखिए ना एक लड़की बच्चे के साथ लोगों के लिए बहुत आसान होता है उन लेडीज के लिए बहुत आसान होता है चीजें कहना जिनके बच्चे नहीं होते जो सिंगल मदर्स होती है ना उनसे पूछो एक बच्चे को लेके किसके घर जाए सके घर जाए कहना बहुत आसान होता है कि ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया एक औरत को ना लोग जीने देते हैं एक अकेली औरत के तौर पे अगर एक विधवा के तौर पे वो सोचे कि हाँ भाई मैं अकेली बच्चा पाल लूंगी अपना कहाँ जीने देते हैं यहाँ तो वीडियो बना बना के लोग कह रहे हैं जबकि वो अपने ससुराल में बैठी थी अपने सास ससुर के साथ बैठी थी अपने ही घर में बैठी थी तब भी लोग ये और दुष्ट नीच औरतें वीडियो बना बना के बोलने लग रही है कि आदमी आ रहे थे उसके घर में सास ससुर तो तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे सोचो ना ये चीज जबकि अपने ससुराल में रहते हुए भी जब उसके कैरेक्टर पे इतनी लांछन लगा रहे हैं वीडियो बना बना के अब जब वो ससुराल में नहीं है तब क्या क्या बोलेंगे उसके लिए सोच के देखो ना मेरे को देखो ना ससुराल में नहीं हूं मायके में भी नहीं हूं तो आज कितना कुछ खुद खुद के लिए सुन रही हूँ अगर ससुराल में होती तो शायद लोग इतना नहीं बोल रहे होते मेरे बारे में सोचिए कि ससुराल में बैठी है उनके घर की बहू है लेकिन जब पता चल जाता है ना कि ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया ठीक है माइके वालों ने भी छोड़ दिया तो लोगों को लगता है कि यार अब तो इनके लिए कुछ भी बकवास कर दो बहुत आसान होता है बोलना है ना तो थोड़ा सा ना अपना एक बार सोच के देखो चीजें ना कहना आसान होता है लेकिन उस चीज में जो फेस करता है ना वो चीजें चीजें जो होती हैं और देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ भैया ऐसा है तो ये बात तो हंड्रेड परसेंट सत्य वचन है कि पति के जाने के बाद पति की डेथ के बाद ससुराल में इज्जत नहीं मिलती है एक बहू को नहीं मिलता प्यार उसको एक मनहूस की तरीके से ट्रीट किया जाता है ये बात सच है मैंने खुद ये चीजें फेस करी हैं इसीलिए मैं जानती हूँ कि ससुराल में अच्छा व्यवहार तो नहीं होता कितना इंसान टोलरेट करे कितनी चीजें बर्दाश्त करे सोचने वाली चीजें होती हैं यार और वो चीजें जो बात जो सपना ने जो चीजें बताई ना कि हाँ भैया सास ससुर ना सिखा सिखा के मतलब वो पिटवाते थे ऐसा था वैसा था वो सारी चीजें तो मेरे साथ हुई है ऐसा नहीं है कि उसके साथ हुई मेरे साथ तो खुद ये चीजें हुई हैं मैं तभी तो इतनी टेंशन में रहती थी वो चीजें मेरे साथ बीती हुई हैं वो सब चीजें होता है ऐसा सिखाते हैं सास 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 ऐसी होती हैं कई सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू बेटों का घर खराब करती हैं इसमें उसने कोई भी झूठ बात नहीं बोली है ये सब सच्चे होती है और जिसपे बीतती है ना वो किसको जाके बताए ना पति हो किसको बताए अकेली औरत किस अपना दुख किसके सामने गाए ये बताओ ना ऐसे में एक बात बताओ मैं यहाँ पे एक चीज ये चीज होती है मैं ये नहीं कह रही कि यार बेटों के जाने का दुख कम होता है माँ बाप का दुख कम है या पत्नी का दुख कम है या किसी का जाता है मैं बात उस चीज की नहीं हो रही बात हो रही है न्याय की न्याय क्या है एक औरत को न्याय नहीं मिलता एक अकेली औरत को बात यहाँ पे आती है यहाँ पे बात न्याय की है सिंपति की बात नहीं है यहाँ पे कि हाँ यार अगर आप मेरे लिए भी लो तो अभी एक नहीं कह सकते हो कि भाई पति के जाने का दुख कम होता है या बेटे का जाने का ज्यादा होता है उन वो भी दुखी है दुख की बात नहीं है यहाँ पे बात यहाँ पे ये यह है कि देखो किसी का सहारा चला गया पति चला गया तो उसका सहारा नहीं बनता ससुराल प्रॉब्लम ये है उसका सहारा कोई नहीं बनता है बहू का सहारा नहीं बनता है ठीक है कि वो अकेली पड़ जाती है हर जगह से ये ये चीज गलत है साथ देना चाहिए एक बात बताओ ना उसे पराया क्यों करते हैं ये चीज कहके कि हाँ अगर पति ने कोई गिफ्ट दिया है पत्नी को शादी के टाइम वो गिफ्ट उसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई अब ये तेरा नहीं है क्यों नहीं है भैया मतलब इसका मतलब तो तुमने साफ कह दिया कि तुम हमारी नहीं हो बहू ही नहीं मान रहे हैं बहू मानते अपने घर की तो कहते ना कि हाँ भाई जो हमारे बेटे का था वो तेरा है जो हमारे बेटे का था वो तेरा है जो सोने की चेन मेरा हमारा बेटा तेरे लिए खरीद के लाया था एनिवर्सरी पे गले में पहनाई थी वो आज भी तेरी ही है ये कैसे कह दिया कि भाई हम अब तेरी नहीं है वो चीज मतलब क्या बेटे के जाते ही बहू भी पराई कर दी वो चीज गलत है ना यहाँ पे ये यह चीज गलत हो रही है कि तेर मेर कहाँ दिख रही है वो साफ दिख रही है कि तेर मेर वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो चीज साफ नजर आ रही है यहाँ पे वो चीज से प्रॉब्लम है कि यार अन्याय का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि आप उस उसका, उसका हक तो उसको दो ना बहू को उसका हक दो मेरे को क्या हक मिला मेरे पति के डेथ के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं इसके अलावा कुछ नहीं मिलता बच्चे पालने अकेले पालो कोई सपोर्ट कोई ससुराल कोई साथ नहीं देता चाहे कितना वेल सेटल्ड हो चाहे कितना पैसे वाला ससुराल हो चाहे बहुओं ने कितना कर रखा हो पीछे है ना अपने सास ससुर के लिए ससुराल वालों के लिए लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो पता नहीं क्यों ऐसा है अच्छे से अच्छे ससुराल वाले भी ना पीठ दिखा के पीछे भाग जाते हैं और एक लड़की एक अकेली औरत को ना सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है और ये गलत है उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उस उसकी उसका चीजें तो उसको वापस करो ना बात यहाँ पे यह देखो मेरा स्त्री धन था मेरे ससुराल वालों ने शादी से पहले बेच दिया अगर होता तो भी वो लोग मुझे नहीं देते इवन मेरी चांदी तक वापिस नहीं करी उन्होंने मेरी मामी ने चढ़ाई हुई चांदी थी चांदी की पजेबे थी भारी कुछ भी नहीं वापिस करते हैं मतलब जो मेरा है वो भी नहीं मेरा फर्नीचर शादी का आज तक ससुराल में पड़ा है शादी का जो मैं लेके गई थी नहीं मिलता वापिस साफ कह देते हैं ये तेरा नहीं है हम लोग भी सोचते हैं कि जाने दे छोड़ दे लेकिन बात यहाँ पे यही है कि यार जो चीज उसकी है उसको तो मिलनी चाहिए ना जो उसका है वो तो उसको दो ना जो शादी के टाइम चढ़ाते हैं वो तो लड़की को दो कल को उसके काम आएगा वो जेवर जूवर को गिरवी रखे बेचे कुछ भी करे उसे पैसा आए पैसे के रहने का अपना ठिकाना कर ले कल को बुरे वक्त में काम आता है औरत की चीजें तो उसको वापस मिलनी चाहिए ना ये चीज गलत है और यहाँ पे जो कैरेक्टर पे आके लेके चलते हैं ना उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है इन औरतों के लिए क्योंकि पति बैठे हैं ना इनके आज ये ये किसी का खाने लग रही है ना कल को कुछ औरतें इसको खाएंगी तब पता चलेगा क्योंकि पता क्या होता है दूसरे का दुख नहीं दिखता ना क्योंकि नहीं पता ना क्या बीतती है पति की डेथ क्या होती है पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों का क्या वो चीजें होती है नहीं पता ना ठीक है लेकिन जब आपके साथ खुद के साथ चीजें बनती है ना तब पता चलता है इंसान को क्योंकि फिर कोई और आपको बोलेगा आज तुम लोग किसी को बोल रहे हो कल को तुम्हें भी कोई ना कोई बोलेगा जब तुम ये अपने लिए सुनोगे ना ये शब्द कि तुम्हारे घर आदमी आते थे कैरेक्टर लेस ये सब गंद बकवास बदचलन ये सारे शब्द आज तुम किसी के लिए बोल रहे हो कल को तुम्हारे लिए भी कोई आएगा कहते ना वक्त का पहिया है ठीक है समय सबका एक जैसा नहीं रहता आज तुम्हारा अच्छा है तुम किसी और के लिए गलत बोल रहे हो उनका बुरा वक्त है वो तो चुपचाप काट लेंगी वो तो बोलेंगे भी नहीं कुछ ठीक है अंदर ही अंदर आंसू पी जाएंगी लेकिन भगवान देखता है किसी के लिए भी गलत मत बोलो इतना ज्यादा किसी की हाय मत लो